सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्पर्श सिन्हा और आप देख रहे हैं व्लॉगर स्पर्श यूट्यूब चैनल। अब तक की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। केंद्र सरकार की तरफ से बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है, 31 मई तक लॉकडाउन के समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है, आखिरकार 31 मई तक लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 31 मई तक लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। बता दें, अब सबसे बड़ा सवाल ये सबके सामने आ चुका है कि क्या रेल सेवा, बस सेवा और हवाई सेवा शुरू की जाएगी, बहाल की जाएगी और आम जनता को पहले जैसे राहत मिलेगी। तो दोस्तों, इसका जवाब सीधे सीधे बताना चाहूँगा, रेल सेवा पूरे देश में बाधित रहेगी, कहीं पर भी रेल सेवा शुरू नहीं की जाएगी। जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ वही ट्रेनें चलाई जाएंगी और जैसे चल रही हैं, जैसे उनका संचालन हो रहा है वैसे ही उनका संचालन होता रहेगा और बाकी और कहीं पर भी ऐसा कुछ देखने को आपको नहीं मिलने वाला है। निर्णय ये भी है कि जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें हमारे देश में चलाई जा रही हैं प्रवासी मजदूरों के लिए, जो हमारे प्रवासी बाहर फंसे हुए हैं, उन सभी के लिए जितनी भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं वो अपनी निरंतर जैसे चल रही हैं वैसे चलती रहेंगी। आने वाली 31 मई 2020 तक कोई भी ट्रेन संचालन हमारे देश में कहीं पर भी नहीं किया जाएगा, आम जनता के लिए ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेनें चल रही थी श्रमिक स्पेशल, बताओ श्रमिक स्पेशल, सिर्फ उन्हीं ट्रेनों का संचालन होगा और अगर कोई स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है तो उसका संचालन शुरू किया जाएगा। सो दोस्तों, अगर साथ में बात करें बस सेवा की तो बताते चले, बस सेवा पूरे देश में राज्य सरकारों के निर्णयानुसार पूरे देश में या राज्यों में चलाई जाएगी। वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आगे ऐसी ही अपडेट्स, ऐसी ही खबरों को सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।